हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा गार्डनिंग चैनल लव यू नेचर में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप त्यागी आज आपको कुछ बड़ा ही नया और कमाल का बताने वाला हूँ। आप एक नए गार्डनर हैं या काफ़ी टाइम से गार्डनिंग कर रहे हैं, दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे हर कोई परेशान होता है। खास तौर से बरसात के इस मौसम में एक बड़ी ही खतरनाक और पौधों के लिए विनाशकारी समस्या देखने को मिलती है, और वो ये है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, मैं श्योर हूँ आप सभी ने इसे बहुत बार अलग अलग तरह के पेड़ पौधों, चाहे वो फलों के हों, फूलों के हों, सब्जियाँ आप उगा रहे हों, सभी को पूरी तरह से बर्बाद और नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला ये कीड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एक सफ़ेद भूरा हल्के क्रीमी रंग का चिपचिपा कीड़ा है जिसका नाम मिलीबग है। मिलीबग है दोस्तों, सबसे पहले इसे 1920 में इजिप्ट मिस्र में देखा और पहचाना गया था। तब से ये सारी दुनिया में अपना आतंक मचाए हुए है दोस्तों। गुड़हल, गेंदा, गुलदावरी, चंपा, चमेली, हारसिंगार, डाइंथा, स्पेंसी, पिटूनिया और भी सभी तरह के फूल फुलवारी वाले प्लांट्स पर इसका अक्सर अटैक होता रहता है दोस्तों। टमाटर, बैंगन, गोभी, ब्रोकली, मकई, भिंडी, ऐसी बहुत सी सब्जियों के प्लांट और अमरूद, पपीता, नारंगी, नींबू, लीची, आड़ू, चीकू आदि फलों के भी नाना प्रकार के पौधे और फल फूल को ये बर्बाद और बेकार करता है दोस्तों। आज का वीडियो मैं इसी सामान्य सी दिखने वाली लेकिन बड़ी समस्या मिलीबग कीड़े की समस्या से निपटने के लिए पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपका होम गार्डन, किचन गार्डन या टेरेस गार्डन इस महामारी से बचा रहे, सुंदर स्वस्थ रहे, उसी के ट्रीटमेंट उपाय, दवाइयाँ और ऑर्गेनिक तरीके भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो अगर पसंद आए, कुछ ज्ञानवर्धक और काम की जानकारी मैं आपके लिए ला पाया हूँ ऐसा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको अपने गार्डन में ही दोस्तों लेके चलता हूँ। ये देखिए, मेरे गार्डन में हिबिस्कस का एक प्लांट है, नेटिवली ऑरेंज कलर का, इस पर केसरिया कलर का आता है फूल। यहाँ देखिए मिलीबग का अटैक है। एक तरीका है दोस्तों इससे बचाव का, अगर एक दो टहनियों पे या कुछ ही जगह आपका प्लांट इफेक्टेड हुआ है तो आप उसको काट के और नष्ट कर दीजिए, काट के फेंक दीजिए। और स्वस्थ प्लांट से, जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनसे हमेशा जो इफेक्टेड प्लांट है जिस पे मिलीबग लग गया है उसको अलग रखिएगा, ताकि वो जो अच्छे हमारे प्लांट हैं उनमें उसका असर ना जाए। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि मिलीबग ना बहुत सारे अंडे, अपने लार्वा अंडे छोड़ता है जिसको खाने के लिए प्लांट के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में चींटियां भी आती हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इस टहनी पे मेरी मिलीबग लगा हुआ है, मेरे इस पे प्लांट पे चींटियां बहुत आ रही हैं और इसी वजह से ये प्लांट धीरे धीरे मेरा ख़राब होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये दवाई आप देखिए दोस्तों, ये दवाई मैं यूज़ करूँगा, टाइकून नाम से एक दवा मुझे मेरे ही पास के जो खाद बीज बेचने वाले हैं उनके यहाँ पे मिल गई, और ये 72 रुपीज़ की MRP इसके ऊपर है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ। टाइकून इस दवाई का नाम है। बेसिकली दवाई का नाम कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन हमें उसके ये जो साल्ट आप देख रहे हैं, लैम्ब्रा साइलोथ्रिन 5%, लैम्ब्रा साइलोथ्रिन इसका मेन जो कंपोजिशन है वो हमें लेना है। श्रीराम एग्रो की ये दवाई है। आपके आसपास लैम्ब्रा से जो साल्ट है, जो केमिकल कंपोजिशन है लैम्ब्रा साइलोथ्रिन, उससे आपको जो भी मिले वो आप ले सकते हैं दोस्तों। ये मेरी एक 5 लीटर की कंटेनर है दोस्तों, मैं इसका इस्तेमाल इसके लिए करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इस पे मार्क बने हुए हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और कंपोजिशन दवाई का अगर ज़्यादा हो गया तो वो प्लांट को नुकसान पहुँचा देगा। ये टाइकून दवा मैं उसी के अकॉर्डिंग डालूंगा, पर लीटर 2 ml, 2 ml पर लीटर, हर लीटर के लिए 2 ml, तो 5 लीटर की, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट पे मुझे करना है तो मैं 5 लीटर स्प्रे करूंगा। तो 5 लीटर आपके पास हो सकता है, आधा लीटर की बोतल हो, 1 लीटर की बोतल हो, तो ये 5 लीटर मैं करूंगा। तो मैं इस 5 लीटर की कैन में थोड़ा पानी भर ले रहा हूँ पहले से, ताकि दवा नीचे चिपके नहीं। और अब मैं इस दवा को ओपन करके इसमें से टाइकून, जो श्रीराम एग्रो की है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने आसपास से कोई भी दवा ले सकते हैं जिसमें लैम्ब्रा साइलोथ्रिन 5% हो, वो कोई भी दवा। और मेजरमेंट के लिए, सही मेजरमेंट के लिए मैं एक ये सिरिंज का, इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप डॉक्टर की दुकान से आसानी से इसे ले सकते हैं दोस्तों।
मैं 5 लीटर तैयार करूंगा जिसमें 10 ml दवा का मैं इस्तेमाल करूंगा। ये बड़ी सिरिंज है, 10 ml का मार्क इस पे लगा हुआ है, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। देखिए, क्योंकि ये कीटनाशक दवा है और ये जहरीली पॉइजनस भी होती है, ह्यूमंस अगर पी लें, किसी वजह से बच्चे इसका गलत इस्तेमाल कर लें तो ये नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए सील लगी हुई आती है, सील को मैंने काट लिया है। अब ये सिरिंज इसमें नहीं जा पाएगी तो मैं क्या करता हूँ, ये ढक्कन में मैं इसको पलट लेता हूँ। या अब यहाँ से मैं इसको सिरिंज में भर लूँगा, 10 ml का मार्क उस पर बना हुआ है तो उतनी मैं उसमें ले लूँगा दोस्तों, और उसके बाद मैं इसको अपनी जो 5 लीटर मैं भरने वाला हूँ उसमें मैं इसको डाल लेता हूँ। पहले थोड़ा नीचे पानी ले लिया है ताकि नीचे तली में दवा चिपक ना जाए, और ये मैंने डाल लिया है। और मैं सिरिंज साफ करने के लिए सादे पानी से 2-3 बार भर के इसको इसी में डाल दे रहा हूँ ताकि सिरिंज मेरी साफ रहे, और फिर मैं उसको संभाल के कहीं अलग, बच्चों की पहुँच से दूर, दवा को भी टाइट से बंद कर देना है और ये सिरिंज दोनों बच्चों की पहुँच से दूर। अभी मैंने इसमें और पानी भर के अपनी कैन को तैयार कर लिया है, 5 लीटर की, ये देख सकते हैं आप। आपके पास हो सकता है 1 लीटर वाला हो, 0.5 लीटर वाला हो, उसी अनुपात में आप प्रति लीटर 2 ml, यानी 0.5 लीटर की हो तो 1 ml, छोटी वाली एक सिरिंज आती है दोस्तों। अब मैं इसमें प्रेशर बना रहा हूँ, प्रेशर से ही ये काम करेगी। देखिए ये चलने लगी, बेहतरीन स्प्रे मेरा इससे हो रहा है। और अब मैं जो स्प्रे करूँगा वो ज़्यादातर जितनी इसकी टहनियाँ हैं, तने हैं, जो ब्रांच के स्टेम हैं उनके ऊपर, प्लस पत्तियों के नीचे की साइड, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये पत्तियों के नीचे की साइड, जहाँ पत्तियों का स्टोमेटा होता है, उसकी जो नर्व सिस्टम है वो होता है, जो क्लोरोफिल के माध्यम से खाना बनाने का काम करता है, मैं इसी दवा से तर कर दूंगा। और जो टहनियाँ हैं और जहाँ खास तौर से मिलीबग का मुझे अटैक दिखाई देगा उसको तो मैं बिल्कुल तर बतर कर दूंगा। और धीरे धीरे अब मैं, और खास बात मैं और बता दूं दोस्तों, दवाई का इस्तेमाल हमेशा आपको शाम के समय करना है, जब सूरज लगभग छिप चुका हो। दिन में या सुबह में अगर आपने दवा का इस्तेमाल कर दिया दोस्तों तो आपके पूरे प्लांट खराब हो जाएंगे, वो क्लोरोफिल, वो खाना बनाएंगे दिन में धूप से, और खाने में वो उस जहरीली दवा का इस्तेमाल अपने पोषण के लिए कर लेंगे तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है, शाम के समय आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है दोस्तों। दवा के इस्तेमाल के बाद साथियों 2-3 बार अपने हाथों को बहुत अच्छे से धो लें। कोरोना काल ने वैसे हाथों को काफ़ी अच्छे से धोने का अभ्यास करा दिया है, तो दवा क्योंकि ये पॉइजनस थी तो अच्छे से 2-3 बार अच्छे से साबुन से 2-3 बार अपने हाथ धो लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि ऑर्गेनिक क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम मिलीबग और ऐसे बहुत सारे कीट से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।